अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। ये श्लोक है, याद कर लेना इसे बाद में। इस श्लोक का भावार्थ है, जो विद्यार्थी प्रतिदिन माता पिता गुरु बुद्ध पुरुष श्रेष्ठ पुरुष को प्रणाम करता है, उसके बिना प्रयोजन के आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें स्वभाववश बढ़ने लगती हैं। चत्वारि तस्य वर्धयन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करें। विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो प्रणाम करें। अगर आप यश कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रणाम करें, और अगर आप बलवान बनना चाहते हैं तब भी माता पिता और श्रेष्ठ संतजनों को प्रणाम करें। ये हम नहीं कहते, इसका सीधा जागता जागता हुआ उदाहरण रामायण की रामचरितमानस की एक चौपाई है। कौन सी? प्रातः काले उठि के काल उठते हैं तो माता को पिता को गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो उसका परिणाम क्या हुआ? राघव जी तो वैसे पूर्ण परब्रह्म हैं, परंतु मानव बनकर आए, मानव लीला की, तो मानव लीला में सरकार बताना चाहते हैं कि अगर आप भी माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करके जीवन की क्रिया को करोगे तो आप भी हमारे जैसे अजेय रहोगे।